करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आपने दर्शन करके बेअंत खुशी हुई है। बरनाले की जथेबंदी मंडेर साहब ते उन्होंने साथियों ने इस हलके दे विच बहुत काम किया है और उन्होंने मैं ते तुहानू बधाई दिंदा। श्रोमणी अकाली दल अंबरसर एक इनकलाबी पार्टी है जिहड़ा बदलाव लियांदी है। असी ये नहीं चाहते कि जो वादे ये रवायती पार्टियां ने किए हैं उन्हां दे नाल तुहानू टाल के चले जाइए। असी कम करन वाली पार्टी है और नतीजे ते रिजल्ट देण वाले साडी पार्टी है। असी समझते हैं कि पंजाब दे विच गरीबी दिन ब दिन वधदी जा रही है। असी चाहते हैं कि पंजाब दे बॉर्डर वाघा ते हुसैनीवाल वाला खोल दिता जाए जिहदे नाल साडा व्यापार पाकिस्तान ते इस्लामिक मुल्कां दे नाल चीन ते रूस नाल वधे। अज 46 लाख नौजवान बेरोजगार है। जिन्नियां मर्जी मोदी साहब जां होर कोई वादे करदे रहन कि असी बेरोजगारी दे खिलाफ लड़ांगे कम करांगे, वो कर नहीं सकते। क्यों करके उन्होंने कम नहीं वधाया जिहदे नाल मशीनां बनन, व्यापार होवे ते साडा पंजाब वधिया बने। तुहानू पता है कि पाकिस्तान जिहड़ा असी छड्ड के आए हैं अज उहदे विच कणक दी घाट है ते साडे कोल गोदामां दे विच कणक भरी पई है। कि असी पाकिस्तान नूं कणक नहीं बेच सकते। जिहड़ा पाकिस्तान कणक रूस तों मंगाउंदा है, फिर साडे छोटे छोटे कारखाने हैगे है, बटाला हो जाए, तुहाडे छोटे शहर हो जाण, उत्थे जिमीदारां दे लई मशीनां बणदियां जिहदा वरतों पाकिस्तान दे विच वी हुंदा। पर सानू तकलीफ है कि जिहड़ियां मशीनां इत्थे बणदियां ते बाहर दे मुल्कां च जांदियां, पहलां तां ट्रकां दे नाल ओह बॉम्बे भेजियां जांदियां, बॉम्बे तों कराची जांदियां, कराची तों लाहौर आ जांदियां और फिर साडे बॉर्डर पंजाब दे उत्ते पहुँच जांदियां। एडा गेड़ा कढ़ाउण दे लई इन्नी महंगी मशीन बन जांदी है कि साडे जिहड़े मिस्त्री है कारखाने वाले है वो इन्ना जिहड़ा बोझ है उस मशीन का महंगा होण ते वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। जे बॉर्डर असी खिलाउंदे हैं ते राजस्थान हरियाणा हिमाचल जम्मू कश्मीर ते पंजाब नूं बहुत फायदा होना है। जिहड़े साडे व्यापारी है, जिहड़े साडे किसान है, जिहड़े साडे खेत मजदूर है, जिहड़े 46 लाख बेरोजगार हैं वो अपने काम ते लगणगे। तुहानू सारयां नूं पता है कि साडे किते किहड़े है। एक तां साडा किसानी है, एक असी मजदूरी करते हैं खेत मजदूरी और असी ट्रांसपोर्ट चलाने हैं। जिदन ट्रांसपोर्ट चलन लग पी बाहर के मुल्कों तोड़े बच्चों ने उस ट्रांसपोर्ट नू सामना उन्होंने नौकरियां मिल जानी है, उन्होंने कोले पेशा हो जाना है ते अपने सारे दे विच जिमीदार ते किसान मजदूर तक
ये चीज वधिया हो जूगी जिहदे नाल असीं पैसा कमावांगे। जिहड़े व्यापारी है वह भी मालामाल हो जाएंगे, क्यों करके उन्होंने व्यापार करना तो उन्होंने देखना कि कहड़ी चीज़ असीं बाहर भेज सकते हैं जां बाहरों अंदर लेके आ सकते हैं। जो ट्रांसपोर्ट वध गई, ट्रकां दियां फैक्ट्रियां वध जाणियां, इंजन नवे बनणगे तो जिहड़ी अपनी बेरोजगारी है उहदे विच खत्म हो जूगी। असी अमन पसंद चाहते हैं कि हमेशा पंजाब अमन पसंद दे विच रहे, पर ये जिहड़ियां सरकारां हैगियां ये हमेशा अमन नूं तोड़ के वोटां लैणियां चाहुंदियां। हुण 18 तरीक नूं भाई अमृतपाल सिंह अपने पिंड अपने घर दे विच सवेरे 4 बजे सीगा कि जे उसने कोई गुनाह कीता है तो उसनू पुलिस अपने घरों फड़ सकदी सी, पर हुकूमत दिल्ली ते पंजाब ने की कीता कि उसने डीकिया कि ये वड्डा काफला बना लवे। जदों वड्डा काफला बना लिया तो वह चालू हो गया तो फिर अगे सेंटर दे पैरामिलिट्री फोर्सेस CRP वगैरह तो पंजाब पुलिस अगे लग गई। पुलिस तो सरकार चाहती सी कि जिहड़े नौजवान बच्चे बंदूकां फड़ के अमृतपाल सिंह दे नाल जा रहे है वो पुलिस तो सेंटर दियां बल्लां देख के उन्हां दे उत्ते फायर करनगे। तो दूजे पासे 12 बोर बंदूक का मुकाबला मशीन गन्ना नाल नहीं हुंदा है, दूजे पासे बीड़ियां हुई सी सरकार ने मशीन गन्ना तो उत्थे धड़ाधड़ मेरा ख्याल है 500-600 साडा नौजवान सेंटर ते पंजाब ने भुन देना सीगा। उदो बाद इन्होंने इलेक्शन कराने सीगे जिहड़े अगले साल हो रहे है, की पता पहला करा देंदे। तो कहना की सी कि सिख लोग गड़बड़ करते हैं तो इन्हों असी सबक सिखाया 1984 दे विच। तुसी याद रखना इंदिरा गांधी ने दरबार साहब के उत्ते बरतानिया ते रूस की फौज के नाल अपनी फौज के नाल टैंक ते तोपां दे नाल हमला किया दरबार साहब के उत्ते। उदो बाद जो वोटां पईयां राजीव गांधी ने उन्होंने इन्नियां वोटां पाईयां कि सिख माड़े हैगे है तो सानू इन्हां नूं रोकण दे लई इन्हां दे उत्ते हमले करने पए। तो तुसी अंकड़े कढ के देख लो कि कांग्रेस पार्टी ने किन्नियां सीटां जित्तियां। फिर मोदी साहब दा आ जो 2002 दे विच मोदी साहब गुजरात दे चीफ मिनिस्टर सन, इन्होंने हजारां दी तादाद दे विच मुसलमानां दा कतलेआम करता। एक बीबी बाणू सी मुसलमान उहदे उत्ते इन्हां दे RSS बंदिआं ने बलात्कार कीते, उहदे रिश्तेदार मारते, पर अदालतां ने ये बुछड़ा नूं उम्र कैद दित्ती। पर पिछले साल 15 तरीक नूं जिहड़ा कहिंदे आ साडा आजादी दा दिवस है वह बीबी बाणू दे बलात्कारी ते कातल सारे जिन्हां नूं उम्र कैद होई सी उन्हां नूं जेल दे विच रिहा करता। हुण तुसीं दसो कि ये जिहड़े लोग है जिहड़े कहिंदे आ असीं बहुत वड्डे अपने मुल्क दे वड्डे वड्डे सेठ हैं कि इन्हां ने 15 अगस्त कादे लई इस्तेमाल किया कि इंडिया नूं आजादी मिली है कि बदमाशां ते बलात्कारियों नूं आजादी मिली है। उदों बाद साध संगत जी ये जित तां गए
पर फिर 2019 दी इलेक्शन आनियां सी पार्लियामेंट दे विच, जिहड़ा मलिक साहब गवर्नर लग्या होया सी कश्मीर दा, उसने कहा कि जे कश्मीर दे विच सेंटर दीआं फौजां भेजनियां है उन्हां नूं हवाई जहाज दे विच भेजो, पर मोदी सरकार ने हवाई जहाजां दे विच फौज नहीं भेजी। उन्होंने कहा कि ये ट्रकों के काफले दे विच जाणगियां, फिर उन्होंने उत्ते हमला हो गया, मेरा ख्याल 92 सिपाही मार दिते गए। उदो बाद मोदी साहब ने कहा इसका तो बदला हम लेंगे। फिर पाकिस्तान दे विच एक पड़ा हैगा, उदा नाम की है वही बालाकोट, उत्थे मोदी साहब कहंदे कि जेड़े दहशतगर है उन्हां दी ट्रेनिंग हुंदी है। फिर मोदी साहब ने बालाकोट दे विच इंडिया दे हवाई जहाज एयरफोर्स भेज के वो बालाकोट जिथे कहंदे सी ट्रेनिंग हुंदी है उहदे उत्ते हमला करता, पर जेड़े पायलट सीगे उन्होंने कहा कि ये बहुत खतरनाक जगह, थले पठान रहिंदे है, पठाना दी वसों है, ते जे साडी जहाज नू कोई बंब लग गया ते सानू छतड़ी राही पैराशूट राही थले उतरना पिया ते पठाना ने साडी खल ला देनी है। फिर बालाकोट पहुंचन तो पहले ही जिन्ने उन्हां दे कोले बंब सीगे ओ हवाई जहाज तो थले सिट दे जंगलां दे विच, बालाकोट तक नहीं पहुंचिया। पर इहदा प्रोपेगेंडा मोदी साहब बीजेपी आरएसएस ने इन्ना कीता कि देखो जी जिन्हां ने साडे सिपाही कश्मीर दे विच मारे सी असीं पाकिस्तान दे उत्ते हमला करके आए हैं, और 2019 दे विच इलेक्शनां दे विच फिर ये जित गए। हुण ये फिर चाहुंदे सीगे कि अमृतपाल दे बहाने गोली चला दिए ते लोकां नूं कहीए कि पंजाब ते सिख लोग एक बहुत खराब आदमी है, ये बिल्कुल लड़ाकू आदमी है, ते इन्हां नूं असीं सबक सिखाता है कि अमृतपाल सिंह अपना काफला बंदूकधारी सिखां दे नाल लै के जा रहा सी ते उन्हां ने पहला फायर किया, फिर असीं मशीन गन्नां दे नाल इन्हां नूं रेड़ता। हुण ये तां साध संगत जी इन्हां दी पॉलिसी है, साडी पॉलिसी है कि असीं तुहानूं वसाईए, बॉर्डर खोलीए, तुहाडी माली हालत वधिया होवे, सारा कुछ चंगा होवे। सो ये चीज़ समझण दे लई तुहानूं बहुत जरूरत है कि असीं मजहब तो उठ के जात पात तो उठ के तुहाडे कोले आए हैं। खास करके जिहड़े रंगरेटे सिख है वह कहिंदे है कि BSP साडी पार्टी है, BSP पार्टी उन्हां दी किवें हो सकदी है जिवें श्रोमणी अकाली दल मनुवाद दे खिलाफ है, मनु समृति नूं खत्म करना चाहुंदी है। असी जात पात दे आधार दे उत्ते कदे लड़दे नहीं। आ जिहड़े पोस्टर हैं इन्हां दे उत्ते कांशी राम जी दी फोटो लाती है। BSP वाले DC कोले गए, DC नूं कहिंदे कि अकाली दल अंबरसर ने कांशी राम जी दियां फोटोआं ला रही हैं। 1999 दे विच कांशी राम ते साडी पार्टी इकट्ठे लड़े सीगे, कांशी राम दी पार्टी नूं असीं पार्लीमेंट फलोर दी सीट तों भेजता सीगा। पहली बारी पार्लीमेंट दे विच जे BSP गई है वह अकाली दल अमृतसर दे नाल समझौता हो के गई है, तो फिर जो कांशी राम जी पार्लीमेंट चले, किसी मैंबर ने पूछा कि कांशी राम जी आपका मैनीफेस्टो क्या है, कि तुहाडा मैनीफेस्टो जिहड़ा लोकां दे कोले लेके जांदे हो वह की है। कांशी राम जी ने चुप करके एक लफ्ज दे विच कहता, मेरा मैनीफेस्टो गुरु ग्रंथ साहब है। बोले सो।
ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਲੁੱਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ BSP ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ IK ਗੁਜਰਾਲ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ IK ਗੁਜਰਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਾਥੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ IK ਗੁਜਰਾਲ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਜੰਤ ਸਿੰਘ ਖੱਟੂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਜੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਮਰਦਾਂ ਦੇ, 1925 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ SPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮੈਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਬੀਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਵੱਟੇ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਓ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓਗੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਮੰਗਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।